हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं दिख रही है ना कोई मंजिलें बेटा देखो देखो सबीन ने क्या किया अपने घर में चोरी कर ली इसने बेटा मेरा कीमती हार चुरा लिया इसने तुम ही बताओ मैं क्या करूं तो इस घर में चोरी के इल्जाम भी लगेंगे मैंने कोई चोरी नहीं की मम्मी मैं आपको कितनी बार कहूं मुझे उस हार के बारे में नहीं पता मेहरीन मेरी जिंदगी में कोई और होना हो लेकिन तुम्हारा होना बहुत जरूरी है यू आर राइट तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते इतना अरसा हो गया लेकिन मुझे पता नहीं तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए कब भेजोगे मलेहा मदेहा भाई घर पर कोई है राबिया आ गए बेटा अस्सलाम वालेकुम मामा जीते रहो खुश रहो आज तो बहुत थक गए हाँ। घर में बिल्कुल सन्नाटा है अम्मा कहाँ है सब लोग तीनों शॉपिंग करने गई हैं शॉपिंग करने गई हैं शॉपिंग किस खुशी में करने गई हैं ना ही मलिया का कहीं से रिश्ता आया है ना ही मदिया की कहीं पे बात पक्की हुई है और राबिया ने ऊपर से नासरा को वैसे ही रिश्ते लाने से मना कर दिया तो फिर क्या शॉपिंग किस लिए गई हैं असल में मलिया को एक सूट खरीदना था उसकी दोस्त की सालगिरह है ना कह के गई थी हम जल्दी आ जाएंगे लेकिन अभी तक तो आई नहीं देखो कब आती हैं चले आप परेशान ना होए आ जाएंगे पर भूख बहुत लग गई है अम्मा बस खाना लगाएं खाने में तो कुछ घर पे है नहीं बेटा मैंने भी नहीं खाया असल में मदिया मुझे कह के गई थी कि वापसी पे ना मेरे लिए खाना लेकर आएगी मैं तो इंतजार करते करते थक गई मेरी भूख भी मर गई चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ला दूं अरे नहीं नहीं आप बैठिए तशरीफ रखिए आपकी उम्र काम करने की नहीं है आराम करने की है इनको शर्म आनी चाहिए कम से कम कोई ख्याल होता कि आप भूखी रहेंगी जाने से पहले आपके लिए कुछ पका ही जाते सबीन जब थी ना तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी हर काम वो मेरे कहे बगैर कर देती थी लेकिन जब से सबीन चली गई बेटा हर चीज बदल गई सब तब्दील हो गया आप फिक्र ना कीजिए मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ खाने को बस आप टेबल पर प्लेटें रखिए मैं लेकर आता हूँ अभी चलो उठो आई थिंक अब हमें चलना चाहिए खयाम भाई आ गए तो बहुत मसला हो जाएगा अगर उन्होंने देखा मैं घर पे नहीं हूँ यार कभी तो थोड़ी देर तक रुक जाया करो अगर खयाम भाई घर पे आ भी गए तो तुम्हारी मॉम पहले की तरह हैंडल कर लेंगी ना नहीं नहीं राफे अब हमें चलना होगा बहुत देर हो गई है यार मेहरीन प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना अब तुम चल रहे हो या मैं खुद चली जाऊँ राफे ओके ओके ठीक है मैं चल रहा हूँ क्या हुआ मलिहा तुम खड़ी क्यों हो गई मैंने राफे को देखा है ये राफे ही था क्या हो गया है तुम्हें राफे यहाँ कहाँ से आएगा राफे तो अमेरिका में रहता है ना हाँ अम्मी होता तो वो अमेरिका में लेकिन नहीं मैंने उसी को देखा मुझे पूरा यकीन है वो राफे था मलिहा तुम्हें तो आजकल हर जगह पे राफे ही दिखाई दे रहा मदिया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अरे वहम होगा तुम्हारा बैठो सब लोग देख रहे हैं बैठो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है तुम घर जाकर से कॉल करके पूछ लेना नहीं अम्मी वो राफे था मैं बता रही हूँ ना आपको अभी खाना आ रहा है खाना खा के फिर बात करेंगे बैठो मुझे खाना नहीं खाना घर चले बस मली तुम्हें कहाँ लड़की है
दिमाग खराब करके रखती है। ये राफे की वजह से यार। बीबी ये इस घर में क्या हो रहा है? आज तक इस घर में कभी किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा तो फिर आज कैसे? बेटा मैं सबीन को अच्छी तरह जानती हूँ, उसने चोरी नहीं। बीबी मैं खाली सबीन की बात नहीं कर रहा, फैक्ट मुझे भी लगता है कि उसने चोरी नहीं की होगी, लेकिन ये मामा किस बुनियाद पर उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रही है मुझे ये बात समझ नहीं। और अगर सबीन ने चोरी नहीं भी की तो फिर किसमें इतनी जरूरत है कि हमारे घर में घुस के ऐसी वारदात? बेटा मुझे तो लगता है मुनीरा को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए थे तो फिर इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत है? मैं तो उन्हें हमेशा पैसे दे देता हूँ, जितने मांगते हैं दे देता हूँ, कभी मैंने सवाल तक नहीं किया। हकीकत क्या है वो तो खुलकर सामने आ जाएगी। तुम अंदर आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। जी। तो तुम लोग आ गए, बच्चियों की भी आवाज सुनी थी। हाँ वो ऊपर गई हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना, चक्कर आ रहे थे मरिया को। जरूर बाजार से कुछ खाया होगा इसीलिए तबीयत खराब है उसकी। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि बच्चों को बाजार से मत खाना खाने दिया करें, लेकिन मेरी इस घर में कोई बात सुने तो बात करना। क्या करूँ, बच्चे है ना, वो पिज्जा खा लिया था इसलिए शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही उसकी। मैं देखती हूँ आप क्यों खाने पर से उठ कर आगे जाए, खाना खाए। घर में तो कुछ पका नहीं था, मैं बाजार से ले आया था। आइए आप भी खाना खा लें। नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खाएं खलम सर, मैं मलिया को देख लेती। हाँ देखो कोई दवाई वगैरह देनी है तो मैं आता हूँ ऊपर अभी खाना खा के। खुरम, हाँ शुक्र है तुमने फोन कर लिया बेटा, इतने दिन से मैं तुम्हें याद कर रही थी। मम्मी आप जानती तो हैं यहाँ पे टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, और मैं इस वजह से भी आपको फोन नहीं करता कि कहीं जैमी को शक ना हो जाए, और अगर उसे जरा भी सबीन के बारे में खबर हो गई तो वो तो मुझे अमेरिका से वापस पाकिस्तान भेज देगी, फिर हमारे ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। अरे बेटा तुमने किस मनहूस का नाम ले दिया, मुझे तो सुबह से सबीन के ऊपर बहुत गुस्सा है। क्यों? अरे बेटा मेरा इतना कीमती हार चोरी हो गया जो खयाम ने मुझे बना के दिया था। हार चोरी हो गया, कैसे? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे सबीन पे पूरा शक है, उसी ने मेरा हार चुराया, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। बस बेटा मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम उसे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करा दूंगी। मम्मी क्या हो गया आपको, बार बार पाकिस्तान आकर शादी करना आसान है क्या? और वैसे भी सबीन जैसी लड़की मुश्किल से मिलती है, मैं इतने दिन से यहाँ पर हूँ, उसने एक बार भी उफ नहीं किया, और मैं तो उसे कॉल भी नहीं करता, और आपको पता है मैंने अभी तक उसकी खैरियत भी नहीं पूछी, फिर भी वो आपके साथ रह रही है, आपकी खिदमत कर रही है, यह हार बार बहुत छोटी बात है। मैं पाकिस्तान आऊंगा तो दूसरा हार दिला दूंगा ना आपको, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बेटा तुम्हारे लिए वो हार कीमती नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत थी उस हार की। और तुम तो शादी करके वहां बड़े मजे कर रहे हो, और हमारे सर पर उस सबीन जैसे अजाब को नाजिल कर गए हो। मम्मी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से को ठंडा रखें। मेहरीन का है, उसको बुलाएं। आपकी तो कोई बात समझ में नहीं आती, उसी से बात करूंगा मैं। अरे मुझे नहीं पता कहाँ है वो, सुबह से उसने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। अच्छा रिलैक्स, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी जैमी के आने का वक्त हो गया है। अल्लाह हाफिज। यह
ये तो खयाम भाई की गाड़ी है, लगता है वो आ गए। कहां से आ रही हो तुम? टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? भाई वो मेरी एक दोस्त की एंगेजमेंट थी, मैंने मामा को बता दिया था आने में देर हो जाएगी, बस इसीलिए। नींद आ रही है मुझे बहुत, मैं सोने जा रही हूं। रुको, इधर आओ। जी भाई। ये हार तुम्हारे पास था? जी भाई। ये तुमने मामा की अलमारी से निकाला? जी भाई। तो तुम बता के नहीं निकाल सकती थी? तुम्हें पता है घर में इस हार को लेकर कितनी टेंशन हो चुकी है? भाई वो क्या वो कर रही हो तुम? बता नहीं सकती थी तुम मामा को? भाई मैंने मामा को कहा था कि दो दिन पहले कह दिया था मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, मैं ये हार पहन के जाऊंगी। भूल गई होंगी मामा अब आपको बताना। मुझे लगता है तुम लोगों की अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं। जाओ यहाँ से और जाके मामा को दिखाओ कि ये हार तुम्हारे पास है, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाना बंद करो तुम लोग। जी भाई मैं अभी बता। जाओ यहाँ से। ऐसा क्या हो गया, तुम बता क्यों नहीं रही हो? पता नहीं ऐसा क्या देख लिया, सारे रस्ते में से पूछती रही हूँ। भाई क्या हुआ है बताओ, मुझे क्या देखा है जो तुम सीधी घर आ गई, ना कुछ खाया ना पिया? मलिहा प्लीज बताओ हुआ क्या है, हमें बहुत टेंशन हो रही है, कुछ बोलो तो सही। राफे था, मुझे पूरा यकीन है वो राफे था। क्या हो गया तुम्हें, राफे तुम्हारे सर पे इतना सवार हो गया कि तुम्हें अब हर जगह नजर आने लगे? नहीं अम्मी, मेरी आंखें मुझे इतना धोखा नहीं दे सकती, मुझे पूरा यकीन है कि वो राफे था। लेकिन मलिहा ये कैसे मुमकिन है, राफे यहाँ कैसे आ सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कैसी गलत फहमी मदिया, जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी नजरों के सामने से गुजरे तो आप उसे पहचानते हैं। मैंने ये तो देखा है कि वो राफे था, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन थी ये मुझे नहीं पता। तो मलिया इसका मतलब कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और इसका मतलब कि राफे कोई अमेरिका में नहीं रहता, वो यहाँ पाकिस्तान में ही रहता है। नहीं मदिया, मेरा राफे मुझे धोखा नहीं दे सकता, प्यार करता है वो मुझसे अम्मी, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे तो पहले ही सोशल मीडिया की दोस्ती पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उस राफे, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी आंखों पे अपने प्यार की पट्टी बांध के तुम्हें सिर्फ धोखा दिया है उसने। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, चले जाए यहाँ से। अम्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। ये सबीन इतनी रात को भी काम कर रही है, जरूर मम्मी ने इसे कहा होगा। अच्छे से जानती हूँ सबर का एक एक कतरा कितना मुश्किल है, बचपन से सबर का घूंट पी पी के थक चुकी हूँ मैं।
शादी से पहले मुझे बात बात पर मेरी बहनों के सामने जलील किया जाता था और मेरे अब्बू की इज्जत को मेरी खुशियों के सामने रोन दिया जाता था। सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मम्मी के दिल में जगह नहीं बना पाई। हद करती हो मेहरीन, तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम्हें इस हार की जरूरत थी। मॉम, मैं अगर आपको बताती आप कौन सा मुझे देती? नहीं देती ना, इसलिए मैंने सोचा मैं पहन के चली जाती हूँ, वापस ला के रख दूंगी। पर मुझे क्या पता था आप मेरे पीछे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी और उस सबीन के ऊपर इसकी चोरी का इल्जाम लगा चुकी होंगी। जानती हूँ मैं कितनी परेशान थी, मैंने मुझे तो सबीन के ऊपर ही शक था। अच्छा मॉम, बैठ जाए ना, आए बैठे। क्या बैठ जाऊँ? अब आपके पास आपका हार आ गया ना, अब गुस्सा थूक दीजिए। अच्छा मॉम सुने, अगर आपसे खयाम भाई पूछेंगे ना कि ये हार मैंने आपकी परमिशन से पहना था या नहीं, तो बोलेगा मैंने आपसे इजाज़त लेके ही पहना है, क्योंकि मैंने भाई को ऐसा कह दिया। तुमने कह दिया, ठीक है कह दूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और तुम मैं तो मेरी परवाह ही नहीं। मैं ऐसा थोड़ी है, तब प्यार करती हूँ मैं आपसे। सेट हो पीछे। मॉम सॉरी ना। और जा बस। मॉम आई लव यू ना। यू लव यू कहती रहती है ना, करती वही हो जो तुम्हें करना होता है। मॉम बस ना, तो हार भी मिल गया, अब क्यों गुस्सा हो ये मलिहा कहाँ है? पता नहीं अम्मी, अपने रूम में सो रही है वो। अच्छा तुमने उससे बात की क्या? नहीं अम्मी, रात को जब मैं कमरे में गई तो वो ऑलरेडी सो चुकी, इसलिए हमारी बात ही नहीं हो पाई। समझ में नहीं आता क्या करूं इस लड़की का, कि तुम्हें बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छे खासे रिश्ते आ रहे थे नासरा, कितने अच्छे रिश्ते लेकर आ रहे, कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता मिल ही जाता, लेकिन नहीं, ये लड़की तो उस लड़के की दोस्ती में अंधी होकर रह गई। अरे मैं तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ये भी नहीं सोच रही कि मैं उसकी माँ हूँ, जो भी फैसला करूंगी उसकी बेहतरी के लिए होगा। लेकिन अम्मी, मलिहा ने राफी से दोस्ती कुछ सोच के की होगी ना, आई थिंक हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। लानत भेजती हूँ ऐसी दोस्ती पर, जिस लड़के के लिए कल वो हमसे लड़ रही थी आज उसी पर शक कर रही है। सही कहती है माँ, माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए फैसला करते हैं ना, वो बिल्कुल सही होता है, उनकी बेहतरी के लिए होता है। ठहर जा, बुलाती हूँ मैं कल नासरा, उसे कहती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आए। नहीं नहीं अम्मी प्लीज, आप अभी नासरा को मत बुलाएं, मलिहा पहले ही बहुत परेशान है, पहले उसे ठीक होने दे, फिर आप कुछ देख लीजिएगा, पहले उसे राफी से एक बार बात तो करने दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पीली जर्दी वाला अंडा यहाँ रखने की मेरे सामने? जानती नहीं हो कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं तुम्हारी बात, सब जानती हूँ मैं। घर के लोग ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं, सब सुकून से रह जाएं।
मैंने अंडा आपके लिए नहीं मेहरीन बीबी के लिए बनाया था, लेकिन आपने कुछ सुने बगैर ही मुझ पर हाथ उठा दिया। गुड मॉर्निंग मॉम। आसिया, जर्दी वाला अंडा बनाया मेरे लिए? जल्दी लेके आओ यार, बहुत भूख लग रही है। बिना सोचे समझे, बिना बात की वजाहत किए आप कैसे दूसरों पर इल्जाम लगा देती हैं? पहले आपने सबीन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसके बाद अब आसिया को भी नहीं छोड़ा। बेटा वो मैं तो चुप हो जाए मामा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं घर के माहौल को रोज बरोज बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। आसिया, सबीन को मिलाओ। चाय तो बन गई, लाओ मैं प्यालियों में डाल। सबीन भाभी, सबीन भाभी। अरे आसिया क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों? सबीन भाभी आपको खयाम भाई बुला रहे। खयाम अभी तक ऑफिस नहीं गया और सबीन को क्यों बुला रहे, क्या हुआ है? सबीन भाभी, मैंने अंडा बनाया था।